राजधानी जयपुर में भी इस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। गलता कुंड में दो युवक डूब गए। गलता गेट थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी की अपडेट यह है कि एक युवक के शव को बाहर निकाला गया है, यानी कि एक मौत जयपुर में भी हो गई है। गलता कुंड में दो युवक डूबे, दूसरे युवक की तलाश अभी जारी है। ACP समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हम आपको जो आंकड़े बता रहे थे कि कैसे कानोता बांध में 5 लोगों की मौत, उससे पहले भरतपुर में 7 लोगों की मौत, बांसवाड़ा में 1 व्यक्ति की मौत, जोधपुर में 1 व्यक्ति की मौत, झुंझुनू में 3 व्यक्तियों की मौत, करौली में 3 लोगों की मौत, और अब देखिए जयपुर में भी एक शव निकाला जा चुका है और दूसरे युवक की तलाश इस वक्त चल रही है। ये आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जान है। सोचिए कि जिंदगी कैसे ये बारिश लील रही है। और उसके बाद अब मेरे सहयोगी विनय पंत जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। विनय, गलता कुंड में डूबे दो युवकों में से एक का शव निकल आया है और दूसरे की तलाश इस वक्त जारी है, आपके पास अभी की क्या अपडेट? जी हार्दिक, वाकई देखिए जो गलता के अंदर जो कुंड बने हुए हैं और ये जो हादसा हुआ है वो जो गलता में जो जनाना कुंड है वहाँ पे हुआ है। काफी बारिश के चलते कुंड जो है पूरा लबालब है, काफी गहरा कुंड बताया जाता है, जिसमें दो युवक नहाने के लिए उतरे थे और गहरे पानी में जाने के चलते दोनों की ही डूबने से मौत हो गई। एक युवक के शव को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है और दूसरे युवक के शव की तलाश जारी है और सिविल डिफेंस टीम और गलता गेट थाना पुलिस मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहीं ACP समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार बारिश का दौर भी जारी है और तेज बारिश के चलते रेस्क्यू के अंदर कई तरह की समस्याओं का सामना भी यहाँ पे टीम को करना पड़ रहा है। जी हार्दिक, कैसे पूरा हादसा हुआ गलता कुंड में, ये दोनों डूबे कैसे? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि 12 बजे करीब वे लोग वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद नहाने के लिए उतरे और क्योंकि काफी गहरा पानी वहां पे बताया जा रहा है जनाना कुंड में और उसी दौरान ये पांव फिसल गया बताया जा रहा और गहरे पानी में चले गए उस दौरान। और अभी हार्दिक मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो अपडेट आई है, दूसरा जो शव है उसको भी बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि जो दोनों युवक डूबे थे दोनों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। और अभी लेकिन उसमें फिर भी जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो वहां पे चलाया जा रहा है कि क्या दो युवक थे या कोई और थे, क्योंकि भारी बारिश के चलते वहां पे लोग अभी नहीं आ रहे थे और ये जो कुछ युवक है वहां पहुंचे थे। हालांकि जो प्रारंभिक आई तो दो युवकों के डूबने की आई थी और दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है और लोग भी थे नहीं थे इस और जो रेस्क्यू है वो फिलहाल अभी दोनों युवकों के शवों को बाहर निकालने के बाद पूरा कर लिया गया है। जी, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट विनय ने आप तक पहुंचाई है, जिस मामले में अभी तक केवल एक शव निकला था, अपडेट ये है कि दोनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। जयपुर में गलता कुंड में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई है। अभी तक ये खबर केवल हादसे की थी, अब देखिए हादसे में मौत की खबर पुष्टि हो गई है। दो शव निकाले जा चुके हैं और इसका मतलब यह है कि सावधानी हटी तो इस तरह की दुर्घटना घटी। आप लोग भी सावधान रहिए। जयपुर के गलता कुंड से यह खबर। बहुत बहुत शुक्रिया विनय मेरे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दो युवकों के शवों को बाहर निकाल लिया है।